कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पे मस्त हैं, बस थोड़ी सी गर्मी में पस्त हैं। मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ, ये देखो मैंने इतने सारे मटर छील लिए हैं और बहुत सारी सब्जी भी काट रही हूँ अभी, मतलब ये देख सकते हो। तो अभी और काटनी बाकी रहेगी, तो मैंने सोचा सब्जी काटते काटते आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, नया सॉन्ग आने वाला था वो कब आ रहा है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो ला ली थी, तो जिन जिन लोगों ने देखा वो लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कब आने वाला है, कब आने वाला है। मुझे खुद नहीं पता कि कब आएगा सॉन्ग और आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है अभी तक नहीं आया। ठीक है, जो भी रीज़न है उन लोगों का है, उन लोगों की मर्जी है वो सॉन्ग अपने चैनल पर डाले या ना डाले। तो अगर डालेंगे तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, और नहीं डालूंगी तो फिर मैं भी कहाँ से कर सकती हूँ। और ये भी नहीं कहा है कि नहीं आएगा, ओके। तो जो भी है नया सॉन्ग था, फर्स्ट सॉन्ग था, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इसलिए मैंने ब्लॉग भी बना लिया था। और कुछ नहीं, चलो छोड़ो, ओके। तो मैंने नहा लिया, धो लिया है और नहा भी लिया, धो भी लिया। मजाक चल रहा है यहाँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी, सबको खाने में मजा आ जाएगा, बट बिरयानी कम, खिचड़ी ज्यादा लग रही है। तो वो ना पानी ज्यादा गिर गया और वो ना हलवा जैसा बन गया, जैसे खिचड़ी बनती है ना मूंग की दाल की खिचड़ी, बिल्कुल वैसी हो गई, जैसे मरीज लोगों को खाना खिलाते हैं लाइक वैसी हो गई है। तो पहले मैं बनाती थी जब मैं वहाँ थी, जब मैं रानीखेत थी, तो मुझे हैबिट थी ना बनाने की, अब धीरे धीरे हैबिट छूटते जा रही है। तो कोई बात नहीं, अब जैसा भी बन गया खा लेते हैं, अभी पहले आप लोगों को दिखा लेती हूँ कैसा बना। चलो खाना खा लेते हैं। तो ये टेस्टी टेस्टी हमने निकाल दी है, मतलब खिचड़ी, मतलब बिरयानी। बताओ कैसा हुआ है, सच में बताओ, मतलब अच्छी अच्छी वाली तारीफ, मतलब सच वाली तारीफ, झूठ वाली नहीं। अच्छा हो रहा है, पक्का है? ओके, थैंक यू, थैंक यू बोलो, थैंक यू। तो गाइस मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वो आ चुका है यहाँ पे, देख कितने का है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे जल्दी से, क्या है इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, अभी नहीं आया यार, इसके लिए ना कुछ औजार चाहिए होता है, जैसे कि कैंची, चाकू। यो, बड़ा वाहियात म्यूजिक आया तुमने अपने मुंह से। तो ये मेरा टॉप आ चुका है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टेंट के कपड़े से बनाया होगा कोई टॉप। शादी बारात में जो टेंट होता है ना, उसके कपड़े का टॉप लग रहा है। चलो 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 पहनो, चलो 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 साफ बस पहनो, गुड पहनो। चलो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ गाइस फटाफट से आप लोगों को, कैसा लग रहा है मुझे बताना, कमेंट करना जल्दी से। ओके, किस लगी मैं, मजा नहीं आ रहा, अच्छी लग रही, रिटर्न रिटर्न, सच में अच्छी नहीं लग रही क्या गाइस? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताओ। वही तो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तूफान आ रहा है, तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि मौसम चेंज हो रहा है और तूफान आने की संभावना है। और मेरा बाहर जाने का प्लान था आज, क्योंकि आज मेरी भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा बाहर जाऊंगी, बट अभी लग नहीं रहा है मौसम देख के कि बाहर जाने का होगा, बाहर जाने का होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो गया, पूरा धुआं धुआं सा, पूरा धूल ही धूल हो गई है। अभी तो तूफान नहीं आया बट आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो, ये देखो कितना वाइट सा हो गया पूरा, और जो है ना ये कैमरे का जूम बड़ा अच्छा है ना, देखो ये आप कुछ भी इससे जूम करके देख सकते हो यार, मजेदार है। तो गाइस अभी हमारा डिनर बन चुका है और 7 बज चुके हैं, तो ये सुबह जाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने फटाफट से डिनर बना दिया। और मैं मयूर जा रहा हूँ मोमोज खाने के लिए मेरी फेवरेट जगह पे, तो वहाँ के मोमोज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तुम भी आ जाना मेरे ब्लॉग में, 1 किलोमीटर इतना हम पैदल जा सकते थे, तो जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है। 1.5 किलोमीटर हाँ, तो 2 इतना तो हम लोग पैदल जा सकते हैं, बट अभी हम पैदल जाएंगे नहीं, हम लोग ऑटो से जाएंगे। तो बाहर से यहाँ से बस थोड़ा सा आगे जाना है, इससे फिर सीधे चले जाने, और यहाँ से हमें ऑटो मिलेगा और फिर हम लोग है क्या पैदल चले। हाँ ठीक है, जैसे आपको सही लगता है।
क्या पैदल या ऑटो? ऑटो में चल लेंगे, आते वक्त पकड़ा लेंगे। ओके डन। तो हम लोगों को ई रिक्शा मिल चुका है और अब हम लोग इसमें बैठे और जा रहे हैं। इससे तुम खुले में आनंद ले सकते हो, हवाओं का आनंद ले सकते हो और यहाँ से कोई भी आसानी से तुम्हारा फोन छीन सकता है। यही वो तुमने चलो। तो हम पैदल भी आ सकते थे। ओके उतर जाओ। तो होगा तो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे गाइस। तो हम यहाँ से इधर इस रोड को पार करेंगे। यहाँ से यहाँ पार करने के लिए हम उस रास्ते से भी तो जा सकते थे, है मयूर? नीचे से ऐसे जाने का था ना, तो हम यहाँ से पार करेंगे। तो आ गए हम लोकेशन पे, यहाँ पे मोमोज खाने वाले हैं। मैं पहले वहाँ पे खाती थी मोमोज, बट वहाँ पे अभी पनीर फ्राइड मोमोज नहीं मिल रहे, फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बट ये लोकेशन बहुत अच्छी है, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे यार। इसमें मैंने एक क्लिप लिया है जो बालों में लगाते हैं, ये भी 20 रुपये का है। यहाँ पे मेरे मोमोज तैयार हो रहे हैं। सो गाइस ये मेरे फेवरेट कुरकुरे पनीर मोमोज आ चुके हैं, अब हम खा लेते हैं इसको फटाफट से। अंधेरा आ रहा है यार, साफ नहीं आ रहा। तो हम लोग ना मोमोज खा के आ गए। अभी मयूर खा रहे हैं एग रोल। हम अभी यहीं पर भी थे ना यहाँ से? ओके हम वहाँ से पीछे से घूम के आए। अब ना हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं घर को। तो अभी हमने यहाँ पे से आइसक्रीम भी ले ली है मेरे लिए, एकदम आम। थैंक यू। चलो तुम टेस्ट करोगी क्या? चलो फिर। मतलब आज का दिन थोड़ा मज़ेदार रहा, खाते रह रहे बस ये तो चाहिए लाइफ में। पैदा ही क्यों हुई हूँ मैं, खाने के लिए तो हुई हूँ ना। अभी चलते 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 हमको आधा घंटा हो गया होगा। अभी हमें बहुत चलना है पैदल। अभी हम 49 में है ना, हम 49 में है, हमें 48 में जाना है। अभी एक आइसक्रीम मैंने अपने ले ली और ये पूरा खा गया। बदतमीज, मेरी आइसक्रीम दो। मैं देखो अभी केक कट गया था तुम्हारे पैर से। ये भी इंसानों ने केक करा है। अब जो है मेरे पैरों को सुकून मिल गया है। यहाँ पे लाइटिंग सही आ रही है ना, है ना? ठीक है आ रही है। ओके अब सीधा आप लोगों को मैं घर पे मिलती हूँ। क्या लाइट नहीं है क्या? ओहो इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। घर आके हम लोगों का पोपट हो चुका है, पंखे भी नहीं चल रहे हैं, एसी तो दूर की बात है। अब पता नहीं पूरी रात कैसे गुजारेंगे, समझ में नहीं आ रहा। हाय बाहर के तरह सुकून मिला मैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है यार अंदर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, रहा ही नहीं जा रहा। एक तो हम लोग अभी पैदल चल के आए हैं इतना ज़्यादा और अब घर पर आए तो लाइट नहीं है। अब क्या करोगे? वाईफाई चल रहा है? मुझे वाईफाई नहीं चाहिए, मुझे लाइट चाहिए। मुझे गर्मी हो रही है, मुझे भी ऐसे लग रहा है। बाहर आओ यार, बाहर भरी सुकून भरी हवा चल रही है। देखो बाहर की अच्छी हवा चल रही है ना, कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत सही लग रहा है। तो गाइस अभी लाइट तो है नहीं और मुझे अपने फ़ोन की बैटरी भी चाहिए क्योंकि रात में मुझे फ़ोन चलाना होता है, मुझे वीडियोज़ भी देखनी है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करता है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा छोटा सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लेना एंड नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।